बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आप लोग मुख्तलिफ अजला से डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मैं हुकूमत बिहार और ख़ास तौर से जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का शुक्रगुजार हूँ और डिजास्टर मैनेजमेंट के वो अध्यक्ष हैं और जनाब ब्याज जी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, इन लोगों की काविशों और कोशिशों से मदरसा में भी डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो बुक तैयार की गई थी वो हिंदी में तैयार की गई थी, उसका उर्दू तर्जमा करके मदरसों में लाया गया है और बहुत सारे मदारिस में इसके ट्रेनिंग देकर वहाँ इसकी शुरू कर दिया गया, पढ़ाई शुरू है। जो अजला बच गए हैं वहाँ भी असाज़ा को पटना में बुलाकर दो रोज़ा ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके ज़रिए से जो इंसानियत ह्यूमनिटी की जो अहमियत है उससे आपको रूशनास कराया जाता है। आप कुरान हदीस के इल्म रखने वाले हैं, दुनिया में मोरल वैल्यूज़, अखलाकी कदरें और इंसानियत की खिदमत सबसे ऊंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है, खैरुन नास मैन फ़ैन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों के फ़ायदा के लिए हो, लोगों को नफ़ा रसानी का काम करे। और ये प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट आफात मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये उसी के पेशकीमा है कि हम कैसे लोगों को मुसीबत से निकालें। और जब तक हम ट्रेंड नहीं होंगे, मुझे जानकारी नहीं होगी, हम कैसे कर सकते हैं। और आज हम बहुत तालीम याफ्ता हो गए, हम बहुत जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो गए, मोरल वैल्यूज़ हमारे बीच से ख़त्म हो गए, इंसानी कदरें ख़त्म हो गई, इंसानियत की सेवा ख़त्म हो गई। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट इस का पैगाम एक एक टीचर, एक एक बच्चा और एक एक नागरिक तक पहुंचाना चाहता है कि हम आपात के वक्त में इंसानियत की कैसे खिदमत करें, लोगों की कैसे मदद करें। और इसके मदद के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और ये डिजास्टर्स के जो ट्रेंड लोग हैं वो आपको बताएंगे। और अभी जब आप देखिएगा मुल्क के अंदर जो मर्डर, रेप या मुख्तलिफ तरह के जराइम पनप रहे हैं वो क्या है, हमारा मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए, इंसानी कदरें ख़त्म हो गई, इंसानियत हमारे बीच से ख़त्म हो गई। अब वो दिराला को मोरी जी इस्लाम ठहरा रहे हैं, सरकार हर इंसान के घुस अंदर में नहीं घुसी हुई है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पुरअमन माहौल बनाएं, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन चैन कायम करें। और हम इस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के प्रति वफादारी हमारे अंदर आए। इकबाल ने एक शेर में कहा था, पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का हर जर्रा देवता है। तुम सिर्फ पत्थर के मूर्तों को खुदा समझते हो, हिंदुस्तान की एक एक जर्रा और एक मिट्टी मेरे लिए पूज के लायक है। जब तक नेशनलिटी, देश के प्रति वफादारी और जिस मुल्क के में हम पैदा हुए, जहां खा पी कर इतना बड़े हुए हैं, इस मुल्क का कर्ज हर नागरिक पर है, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क के शहरी की हिफाजत। और कैसे मुल्क में अमन चैन कायम हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार लॉ ऑर्डर कायम करेगी, लेकिन एक एक शहरी अगर क्रिमिनल बन जाए, एक एक शहरी अगर क्राइम की तरफ चला जाए तो सरकार क्या कर सकती है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आफात मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर जाकर बच्चों को अच्छी तालीम देंगे और अखलाकी कदरों को, मोरल वैल्यूज़ को आप पढ़ा देते हैं बच्चों को किताबें, लेकिन बच्चे कैसे उनके अंदर अखलाक बेहतर हो जाए, लोगों से मिलने जुलने का कैसे बेहतर उनके अंदर ये डेवलप करें कि हम अच्छे से बात करें, अच्छे से मिलें, ज़िंदगी अच्छे ढंग से गुजारें,
ये वैल्यूज को बच्चों के अंदर पहुंचाना है, और ये तमाम तरह की बातें डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ट्रेनिंग में आप हासिल करेंगे और इसका फायदा बच्चों के तक नहीं पूरे आवाम को पहुंचाएंगे। हम फिर जनाब नीतीश कुमार वजीर आला बिहार और जनाब ब्यास जी और पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मदारिस जो एकदम कटे हुए थे, जो मेन धारे से अलग थे, उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं था, सिर्फ कुरान हदीस का इल्म जानते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार वजीर आला बिहार की कोशिशों और काविशों से मदरसा बोर्ड आज उस मुकाम पर पहुंचा है कि किसी भी बिहार के इदारे से पीछे नहीं है। जैसे आप देखिए मदरसों में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, ऑनलाइन एडमिशन इस कोरोना में मैंने कराया, 2 लाख बच्चों ने फोकानिया मौलवी मतलब मैट्रिक इंटर में दाखिला लिया है, और ऑनलाइन मार्कशीट दिया जा रहा है, तमाम काम मदरसा बोर्ड का डिजिटल पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है, मदरसा बोर्ड ने अपना सर्वर खरीद लिया है। और आज ये बोर्ड किस हालत में था, इससे बेहतर बोर्ड वहां पर नया मकान हम लोगों ने G+4 लिया है, इसको भी बनाया है, यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, आज इतने लोग बैठे हुए। और नीतीश जी ने मुझे बनाया और ये जिम्मेदारी दी कि मदरसों को बेहतर करना है। आज यूनाइटेड नेशन की 2 ऑर्गेनाइजेशंस यूनिसेफ ने मेरा निसाब तैयार कराया, और आज 1 से 8 तक SCERT का बुक और फोकानिया मौलवी मैट्रिक की NCERT का बुक शामिल किया गया है, मजहबी किताब शामिल किए गए हैं, और टेस्ट बॉक्स से टेस्ट बुक कॉरपोरेशन से 1.25 करोड़ की किताबें छपवाई गई हैं, और पूरे बिहार में 19 लाख की बस खरीद कर तमाम बिहार के तमाम मदरसों को पहुँचाया जा रहा है। ये इनकलाबी कदम मैट्रिक के और इंटर के एग्जाम से पहले मदरसा बोर्ड का फोकानिया मौलवी मैट्रिक इंटर एग्जाम पजीर हो चुका, और उससे पहले हम रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो इसीलिए एहसास कमतरी से निकलना है। इकबाल का एक शेर है, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। जब आप सोच लेंगे बदलाव के लिए, जब हम सोच लेंगे तरक्की के लिए, कोई काम नामुमकिन नहीं है। आज देखिए नीतीश कुमार वजीर आला बिहार ने 15 वर्षों में सोचा विकास तरक्की का, पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं उस स्टेट से बिहार कहीं पीछे नहीं है। आज सड़कों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सफाई के मामले में, हर चीज हर क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है, ये 15 साल दौर हिंदुस्तान की तारीख में और बिहार की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। इसीलिए कोई इंसान सोच ले ईमानदारी के साथ, दयानेदारी के साथ, मुल्क के खिदमत के लिए, जिस इदारे में है वहाँ की खिदमत के लिए बदलाव आ जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रह सकती है। और हमेशा एस्थेटिक मत रहिए, बदलाव के तरफ, तरक्की के तरफ। इकबाल का एक शेर है, जहां में मर्द मोमिन मिसल खुर्शीद जीता है, इधर डूबा उधर निकला, उधर निकला इधर डूबा। हमेशा बदलाव के तरफ, तरक्की के तरफ गामजन रहना है। मैं ब्यास जी का शुक्रगुजार हूं कि ये हमारे बीच तशरीफ फरमा है, और इनके अच्छे कलमात से, इनके गाइडलाइन से हमारे मदरसों के अंदर तब्दीली आएगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो कोर्स जो है मदरसों में अच्छे ढंग से चलाए जाएंगे, और इसमें असाज़ा का ताउन, सरकार का पूरा ताउन हासिल है, आपको रहने का खाने का हर इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, कहीं कमी नहीं है, आपको उससे फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। और ये खुशकिस्मती आपके ही है, इतने दिन से ये कोर्स से आप नाशना थे, हमारे ब्यास जी और नीतीश जी के कोशिशों से मदरसों में ये प्रोग्राम आया है, और बहुत कामयाब है। स्कूलों से ज़्यादा जो जो ट्रेनिंग ले गए हैं वो लोग अपना पढ़ा रहे हैं, वो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे डाल रहे हैं, सरकार देख रही है आपके तरक्की को, आपके ऊंचाई पर जाने के लिए जो रास्ते हमवार हुए, काबिल मुबारकबाद हैं। जय हिंद, जय भारत। जनाब चेयरमैन साहब, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जानिब से जनाब